तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द स्टंट डूड में। वैसे क्या हालचाल आप सभी के, सब लोग ठीक तो हो ना? गाइज यार ठीक से याद आया, शिनशान का लास्ट टाइम एक्सीडेंट हो गया था, पता नहीं उसकी हालत अभी कैसी होगी। वैसे उसकी बॉडी तो ठीक हो चुकी है, पर वो बोलते हैं ना उस चीज से वो बाहर आया है कि नहीं, चलो जाकर पूछ ही लेते हैं। शिनशान चौप कहाँ पर हो तुम लोग? शिनशान अबे यही पर होना चाहिए था, लगता है जल्दी उठ गया। शिनशान कहाँ पर है तू? गाइस यार वो रहा। अबे तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही खड़े थे, अब बताओ क्या हो गया? हाँ अब चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे कोई आंधी तूफान आने वाला है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तेरा हालचाल पूछने आया था, मैंने सोचा बाहर जा रहा हूँ उससे पहले पूछ के जाऊँ। अरे कहाँ पर जा रहे हो, हमें भी लेके जाओ। मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तुम दोनों थोड़ी देर टीवी देख लो, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। अरे फिर भी एक बार बता तो दो। शिनचैन यार कितनी बार बोला है, जाते टाइम नहीं टोकते, एक बार बोला ना मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत, तुम दोनों शांति से रहना। अरे मैंने आपसे कहा ना अब चिंता मत करो, बस जल्दी से आ जाना। ठीक है भाई मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो गाइस यार अब जल्दी से चलते हैं, शिनचैन चौप अभी तो मस्ती करेंगे नहीं, या फिर ये मेरी गलत फहमी है, कोई भरोसा नहीं इन दोनों का। वैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां पर जा रहा हूं, तो गाइस आप लोगों को वो बात याद है जब शिनचैन का एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग उसे हॉस्पिटल में लेके गए थे, फिर वहां पर हमें पता चला था कि शिनचैन एक जादुई फूल से ठीक होगा, जिसके लिए हमने लेमार की मदद मांगी थी। और जब मैं वो फूल लेने गया और मैंने उसको टच किया, वहाँ पर मेरा एक हमशक्ल आ गया था, बस फर्क ये था कि वो पूरा काला था और उसकी आवाज मेरे से अलग थी। पर ऐसा क्यों हुआ, मैं इसी चीज का पता लगाने जा रहा हूँ फिर से वहाँ पर। अरे अभी हम लोग क्या करेंगे चौप, मुझे तो बहुत ही कंटाला आ रहा है। अरे करना क्या है, चल के टीवी देखते हैं। अच्छा ठीक है आ जाओ जल्दी से, पता नहीं टीवी पर क्या चल रहा होगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, लॉस सैंटोस में चर्चा हो रही है ब्लैक फ्रैंकलिन की, जो कि कहीं पर भी गायब हो के कहीं पर भी पहुंच जाता है। अगर आपको वो दिखे तो उससे सावधान रहिए, क्योंकि उसमें है बहुत सारी मायावी शक्तियाँ। गाइज यार हम लोग लोकेशन के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, हमें यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा। ओह वो सामने क्या चल रहा था, दो पुलिस की गाड़ी आपस में टकरा रही थी, चलो गाड़ी को यहीं पर रोकते हैं। वो जगह यहाँ से ऊपर थी, बस बात ये है कि हमें उसके बारे में बताएगा कौन, और अगर वो ब्लैक फ्रैंकलिन वापस से मिल गया तो मैं क्या करूंगा। एक काम करता हूँ इस अंकल से पूछ के देखता हूँ। अरे अंकल मेरी बात सुनो ना, आपको पता है यहाँ पर एक जादुई फूल है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या, आपको कुछ पता है? हाँ हाँ क्यों नहीं मुझे पता है। क्या बात कर रहे हो, तो प्लीज यार बता दो ना। अरे रुक जाओ ऐसा कैसे बता दो? ऐसे कैसे मतलब, आपको जो पता है वही पूछ रहा हूँ ना, इसमें कुछ बुरा किया क्या मैंने? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तुमको बता तो देगा पर फ्री में नहीं बताएंगे, कम से कम $100 देना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। खाली एक इन्फॉर्मेशन का $100, ये क्या बात हो गई, थोड़े कम कर दो यार। अच्छा अच्छा ठीक है बस $80। चलो ये भी चलेगा। तो अब मेरी बात सुनो, बहुत पहले के टाइम में दो भाई हुआ करते थे, जिसमें से एक भाई तो भला चंगा था पर दूसरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, डॉक्टर ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए थे, वो मरने की कगार पर ही था। तब डॉक्टर ने उसे बताया कि एक जादुई फूल है जिसे अगर तुम ला दोगे तो तुम्हारा भाई बच सकता है। इतना सुनकर ही वो बड़ा भाई खुश हो गया और उसने ठान लिया कि वो फूल लेके ही आएगा। वो फूल सब कुछ ठीक कर तो देता था पर उसकी भी कुछ शर्तें थी, उस पर थी कुछ काली शक्तियाँ, जो भी उस फूल को छुएगा उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, मतलब कि उसका बुरा वर्जन जो कि होगा ब्लैक। अब डॉक्टर ने ये सब भी उसे समझा दिया था पर वो कहते है ना जान के आगे कुछ भी नहीं, उसे बस कैसे भी करके अपने भाई को बचाना था, इसलिए उसने बैग वैग पैक किए और चल पड़ा उस फूल की तलाश में। उसे पता लग चुका था कि वो फूल कहाँ पर मिलेगा, बस उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी कि कौन से पॉइंट पर मिलेगा। उसने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा पर वो फूल उसे कहीं पर भी नहीं दिखा। फिर एक दिन जब वो फूल को ढूंढ ही रहा था, उसे दूर बहुत सारे टूरिस्ट दिखे, उसे लगा उनको पता होगा, तो उसने जाके एक लेडी से पूछा, लेडी लेडी एक बात तो बता, तेरे जैसा फूल मिलेगा कहाँ? ओ कैसी बात कर रहे हो तुम, इतनी भी तारीफ मत करो। तो फिर उस लड़के ने पूछा, आपने कोई जादुई फूल देखा है या उसके बारे में सुना है? फिर उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ मैंने सुना है पर तुम उसके पास मत जाना, उसमें बोलते हैं कि काली शक्तियाँ हैं। फिर उस लड़के ने कहा, तुम्हें जितना पूछा है उतना बताओ, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओ कितना मतलबी है तू, अभी तो मेरी तारीफ कर रहा था, झूठा कहीं का, वो फूल तुझे ऊपर मिलेगा, जाओ और वहाँ जाके मर। बस इतना सुनकर ही बड़ा भाई वहाँ से भाग गया अपने छोटे भाई की जिंदगी बचाने के लिए, मतलब के वो फूल लाने के लिए। वो फूल उसी पहाड़ी पर था जिसकी लोकेशन उसे मिल चुकी थी, पर आगे क्या होने वाला था, क्या वो अपने भाई की जान बचा लेगा या फिर वो भी मारा जाएगा? अब मुझसे ये मत पूछना कि आगे क्या हुआ, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ, पर $20 एक्स्ट्रा लूंगा। वो फूल के पास तो पहुँच गया
और उस फूल से मन्नत मांगी। और फिर जैसे ही वो उसे अपने साथ लेके जाने वाला था, तब वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, एक धुआं सा उठा। फिर उसके बाद से उसके बड़े भाई को किसी ने नहीं देखा। उसके आगे का तो हमें भी पता नहीं। अब लाओ जल्दी से मेरा $100 लाओ। अच्छा ठीक है, ये ले लो यार, पर ये तो कहानी भी अधूरी है। देखो, हमने तुमसे कब कहा कि हम पूरी की पूरी कहानी सुनाएंगे? हमने तुमसे कहा था कि कहानी सुनाएंगे। हाँ, पर उस फूल के पास मत जाना, वरना तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है। गाइस यार, मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं तो जाके भी आ चुका हूँ और मेरा एक डुप्लीकेट बन भी चुका है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अभी वो फूल कहाँ पर होगा? वो हमेशा अपनी लोकेशन बदलता रहता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो एक जादुई फूल है। हाल फिलहाल में लोगों से पता चला है कि वो इसी पहाड़ी पर है। ओहो गाइस, जल्दी जल्दी जाना होगा फिर तो। चलो, हमें पता तो चला कि वो कहाँ पर है। कहाँ जा सकता है यार, यहाँ पर तो कई बार भी नहीं है। मुझे लगता है पहाड़ की चोटी पर होगा। बस एक बार मिल जाए ना, फिर मैं वापस से पता करूँ कि आखिर में उससे होता क्या है। ओहो गाइस यार, फूल का पता नहीं, ये ब्लैक फ्रैंकलिन यहाँ पर वापस से आ गया। आज तो पता करके रहूंगा। तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने उस फूल को चुराया था, अब वो फूल कहाँ पर है किसी को भी पता नहीं है। लोग कहते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ से भी गायब हो गया। अब मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? तुमने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा। तुम्हारे घर पे एक बच्चा और कुत्ता रहता है ना, अब बस समझो कि वो लोग गायब हो जाएंगे। गाइस यार, किधर गया? अभी तो यही पर था, वो हमें धमकी देकर गया है। ये यार कुछ हजम नहीं हो रहा है, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। पता नहीं वो शिनचैन और चॉप के साथ क्या करने वाला है। और वो तो यहाँ से गायब होकर जा रहा है, वो बहुत जल्दी हमारे घर पर पहुँच जाएगा। शिनचैन चॉप, चिंता मत करो यार, मैं आ रहा हूँ। गाइस यार, मुझे डर लग रहा है, उस ब्लैक फ्रैंकलिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे क्या पता था कि वो फूल अपने आप जगह बदलते रहता है। पर एक चीज समझ नहीं आ रही, वो फूल भले जगह बदल रहा हो, ब्लैक फ्रैंकलिन को उससे क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं गाइस उस फूल और ब्लैक फ्रैंकलिन का कोई कनेक्शन हो? नहीं तो वो इतनी चिंता में नहीं लगता, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। पक्का कुछ तो है जो हमें नहीं पता। और वो अंकल ने तो ₹100 भी ले लिए, सॉरी $100 लिए, और कहानी भी अधूरी सुनाई। अरे चुप, ये बाहर से कैसी आवाज आई है? जल्दी से जाके देखते हैं, लगता है फ्रैंकलिन भैया आ गए हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और ये धुआं किस चीज का है? अरे बापरे, इस धुएं का कलर भी अलग है, यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे ये तो ब्लैक फ्रैंकलिन है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, होली वोली खेल के आए हो क्या? मैं कोई होली वोली खेल के नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ तुम्हें यहाँ से गायब करने, और वो मैं करके रहूंगा। अरे ये आप क्या बोल रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? और आपकी शर्ट कहाँ पर गई? मैं कोई भी शर्ट वट नहीं पहनता। अरे क्या शिनचैन, तुम भी वो शर्ट थोड़ी ना हुडी पहनते हैं? मैं हुडी वुडी भी नहीं पहनता। तो क्या इसे पूरे दिन नंगे घूमते रहते हो? मुझे लगता है ये एकदम सही बोल रहे हैं, तभी धूप की वजह से इनका शरीर ऐसा हो गया है। इनको समझना चाहिए था ये जादू थोड़ी ना है। अरे जाने दो, छोड़ो चुप, हम लोग जाके टीवी देखते हैं, ये तो हमें और बोर कर रहे हैं। रुको रुको, जाते कहाँ पर हो? जाना तो है पर मेरे साथ। अरे ये धुआं फिर से आ गया, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो फ्रैंकलिन भैया, ये कोई मैजिक ट्रिक बताने का टाइम है। गाइस, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना होगा यार, पता नहीं वो उनके साथ क्या कर रहा होगा। तो मुझे डर लग रहा है, जल्दी जल्दी गाड़ी को रोकता हूँ। शिनचैन, तुम लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो या नहीं? शिनचैन चुप, कहाँ पर हो यार? शिनचैन, गाइस यार कोई आवाज नहीं दे रहा, मुझे डर लग रहा है। शिनचैन भाई यार, कहाँ पर है तू? प्लीज बोल दे के घर में ही है। यहाँ पर भी नहीं है गाइस यार, कहा जा सकता है? एक काम करता हूँ, ऊपर जाकर देखता हूँ। शिनचैन प्लीज यार आवाज दे दे। देख, मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गाइस यार गुस्सा तो पता नहीं, मुझे रोना आ रहा है। शिनचैन चॉप, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे टोनी को कॉल करना होगा। हेलो, हाउ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी यार एक हेल्प चाहिए, मेरा एक डुप्लीकेट है जिसको ब्लैक फ्रैंकलिन बोलते हैं, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, पर वो बुरा है, उसने शिनचैन और चॉप को किडनैप कर लिया है। अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने उस फूल को टच किया था। हाँ किया तो था। अरे यार तुम वो छोड़ो ना, उसकी लोकेशन बताओ कहाँ पर है। रुको पता करता हूँ कहाँ जा सकता है। ये रहा, आखिरकार मुझे मिल ही गया, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार टोनी। गाइस यार आखिरकार वो हमें मिल ही गया, हमें बस वहाँ पर जाना है और उन दोनों को छुड़ाना है, वरना पता नहीं क्या होगा आगे। भाग 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 फ्रैंकलिन, आज तो चॉप और शिनचैन की जान का सवाल है। मैंने उसका फूल क्या चुराया, उसने मेरे दो आदमी चुरा लिए, ये कौन सा बदलाव हुआ? मेरे घर से कोई फूल वूल चुरा लेता। हाँ बस वो जादू ही नहीं होते, पर क्या फर्क पड़ता है, फूल तो थे। गाइस यार लोकेशन तो काफी दूर है। एक मिनट, अभी ये तो वही लोकेशन है जहाँ मैं वो फूल लेने गया था। अबे हाँ यार, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, ब्लैक फ्रैंकलिन वही पर गया होगा, वो मुझे पहली बार भी वही पर मिला था। आज तो उसको छोड़ेंगे नहीं गाइस, हमें पता तो चल ही चुका है कि वो कहाँ पर है, तो शिनचैन और चॉप भी पक्का वही पर होंगे। और वैसे भी वो अकेला क्या क्या करेगा, ऐसा तो है नहीं कि शिनचैन और चॉप को दूसरी जगह रखा हो और खुद दूसरी जगह हो। चलो चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ, वरना तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अरे ऐसे डराओ मत, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। हाँ तो चुपचाप चलने का काम करो। गाइस हम लोग पहुंच गए। गाड़ी रुक जा। चलो गाड़ी तो रुक गई गाइस, अब हमें वो घर वापस से ढूंढना होगा। पिछली बार
बड़ी मुश्किल से मिला था क्योंकि पहली बार गया था, पर इस बार मुझे पता है कि किस साइड होना चाहिए। अब तुम दोनों यहीं पर रहोगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मुझे वो फूल नहीं मिल जाता। अरे ये तो गलत बात है ना, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, शक्ल हमारे भैया वाली और लक्षण बिल्कुल खोटे। ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है बाहर कोई आ रहा है, ये तो फ्रैंकलिन की आवाज है, उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। यहाँ पर मैं एक डेड आर्मी खड़ी कर दूंगा, जाओ और जाके उस फ्रैंकलिन के बच्चे को रोको, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। गाइस हम लोग घर के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं। अबे यार ये क्या, ये लोग कहाँ से आ गए, ये पक्का उस ब्लैक फ्रैंकलिन ने किया होगा इनकी तो। मैं अबे रुक जाओ, आउच आउच, इनकी तो सीधी हड्डियां लग रही है, वैसे इनमें इसके सिवा कुछ है भी नहीं, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। ये ले, चलो गाइस इन सबको तो मार दिया बुरा ब्लैक फ्रैंकलिन। अबे जाता कहां पर है, रुक, मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा, उसने तो आर्मी को हरा लिया। क्या अभी उसने आर्मी का, अबे चार जन थे वो, उसको छोटा ग्रुप बोलते हैं। अबे नहीं, ये वापस से क्या कर रहा है। गाइस यार ये तो शिनचान और चॉप को लेके फिर से गायब हो गया, अब पता नहीं कहां पर गया होगा। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं जल्दी से शिनचान और चॉप को ढूंढूं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।